नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 10 देख रहे हैं। इसके पहले यूनिट 10 को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरी पीडीएफ है, इसे भी आज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो वीडियो हो जाएंगे यूनिट 10 के। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक यूनिट के दो दो तीन तीन वीडियो डाल दें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके पास इतना भयंकर कॉन्फिडेंस हो कि आप जाकर के एग्जाम को फोड़ डालें, फाड़ दें पेपर को, और फिर आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी क्या है? आत्मविश्वास है। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती ही है, कोई उसमें दो राय नहीं है। आपका सबसे अच्छा जीवन साथी कौन है? आपके माता पिता, भाई बहन के अलावा आपका आत्मविश्वास है। आपने जितनी मेहनत की होती है, आपका नॉलेज, आपका संघर्ष, ये आप में आत्मविश्वास कुट कुट के डालता है। जब आप किसी भी चीज को लेकर के काम कर रहे होते हैं, तो आपने फील किया होगा कि आप उसको आसानी से कर जाते हैं। तो किसी भी काम को आसानी से करने के पीछे कारण होता है कि आपका आत्मविश्वास, आपको ये बिलीव होता है खुद में कि मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको अपने एग्जाम देने से पहले अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डालना है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आसानी से कर पाए लॉजिकल माइंड के साथ। तो आप सभी को पता है कि हम वीडियो कैसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताते हैं, जिससे कम समय में आपको क्वेश्चन मिल पाए, आंसर मिल पाए। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम जल्दी जल्दी बताएंगे। आज शादी हो रही है किसी के यहाँ, तो थोड़ा ढोल बाजे बज रहे हैं, थोड़ा देर में ये शांत हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम के किस धारा के तहत किया गया? धारा 3, 12 अक्टूबर 1993 की स्थापना हुई इसकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे निकाय है? सांविधिक, क्योंकि अधिनियम के तहत बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 13, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियुक्त सदस्यों के लिए बनी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कमेटी में कौन सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सभापति, बाकी सभी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? प्रथम थे रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में एच एल दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, तो ये जो वर्तमान अध्यक्ष है मानवाधिकार आयोग के, बदल गए हैं, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा, अरुण कुमार मिश्रा है जहां तक। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? फिर से बेहतर मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ। निम्न में से कौन सा कथन मानवाधिकार आयोग से भिन्न है? आयोग का प्रथम संशोधन 2003 में आया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कुल कितने सदस्य से मिलकर होगा? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, जिसे पर्यावरण भवन बोलते हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग 7वीं अनुसूची में वर्णित किन विषयों पर उल्लंघन की जांच करेगा? राज्य व समवर्ती सूची। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि क्या है? 3 वर्ष, 70 वर्ष। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, क्यों? क्योंकि संविधान में उल्लेख है पहले से इसका। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की संरचना वर्तमान में कितने सदस्य है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य मामलों में निर्वाचन को रद्द कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के तहत पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित की गई? 243E। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 15। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? सुनील अरोड़ा, जो कि गलत है, मेरे हिसाब से सुशील चंद्रा होना चाहिए, आप गूगल कर सकते हैं एक बार। किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? 1919 का अधिनियम। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यो को किसके अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956। 41वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? पदावधि 6 से 60 वर्ष और 6 से 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को। किस अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक का सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण होता है? कार्यपालिका के। CAGR नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनमें से किसकी लेखा संपरीक्षा पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप से केक द्वारा की जाती है? प्राकृतिक गैस आयोग। संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 150। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किस वर्ष कर दिया गया? 1 जनवरी 2015, जो कि कार्यकारी आयोग है, सभी को पता होगा। नीति आयोग का पूर्ण हिंदी नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इनमें से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1972।
इनमें से कौन नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य नहीं रहा है? ओम प्रकाश रावत। बाकी तीनों थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानून को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के सभी बालकों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त करता है? मतलब पूछा जा रहा है कि बालक की उम्र, बालक की परिभाषा पूछी जा रही है कि मतलब कितने से कितने वर्ष का बालक माना जाएगा। 0 से 18 वर्ष माना गया है इस अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किन कारकों की जांच का कार्य करता है? ये सभी मतलब प्राकृतिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, अनैतिक व्यापार। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005। पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछा रहा है, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछे गए और जो पीडीएफ हमने बना के रखी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग के कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार महिला आयोग के किस अध्यक्ष व सदस्य को इन स्थितियों में हटा सकते हैं? ये सभी मतलब दिवालियापन, अपराध में दो सिद्धि, विकृति। मत किस अनुच्छेद के तहत प्रसूति सहायता की बात की गई? अनुच्छेद 42। मध्यवर्ती महिला राज्य आयोग किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? 1995 अधिनियम की धारा 3। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि होगी 3 वर्ष में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी को पता है, शोभा ओझा, और इसकी हमने ट्रिक डाली है। अगर नहीं पता है तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त किया गया? कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है संवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में आयोग के संरक्षण में शामिल है 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य व अध्यक्षों को कब तक पद पर नियुक्त किया जा सकता है? 2 बार से अधिक नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया, जो कि गलत है, आप सभी को पता है। विजय सिंपाला। अनुसूचित आयोग द्वारा किसी मामले की जांच करते समय आयोग पर शक्ति कौन सी होगी? सिविल न्यायालय। सीपीसी 1908 के तहत किस अधिनियम, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई? 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना है उसमें असत्य कथन को छांटना है, तो असत्य क्या है इसमें? डी है, मतलब 3 सही है। कौन कौन सा सही है? 19 फरवरी 2004 को गठन हुआ, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा और भारत सरकार सचिव समान दर्जा होगा, ठीक है, उसे सचिव होगा, उसे भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? 1 से अधिक सभी जगह पर है, मतलब भोपाल, जयपुर और रायपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह टेकाम। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 29 जून 1995। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग मिलकर बना होता है 1 अध्यक्ष 2 शासकीय सदस्य। किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? 14 अगस्त 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। किस संविधान संशोधन के तहत इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है? ठीक है, ओबीसी की बात की जा रही है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ी जाति का वर्णन है? 338 बी। सन 1950 के दशक में पिछड़ा वर्ग आयोग किसके अध्यक्षता में गठित किया गया? काका कालेकर। जो तो जितने भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है उनका अध्यक्ष को पता होना चाहिए आपको। पिछड़ा वर्ग आयोग जब किसी कार्य या शिकायत की जांच करता है तो उसे किस कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है? सिविल कोर्ट की। सभी को पता है, मतलब जितने भी आयोग है उनको किसके शक्ति प्राप्त होगी? सिविल कोर्ट की होगी, ठीक है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए और पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसका किसके तहत प्राप्त होती है? वो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, मतलब 1908 की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 13 मार्च 1993। और केंद्रीय कितना था? 14 अगस्त 1993। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसी भी समय त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? राज्य सरकार को, न कि राज्यपाल को, ठीक है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सम्मिलित है 1 अध्यक्ष 3 शासकीय सदस्य। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राधेलाल बघेल। तो द आर्ट ऑफ लिविंग जो चैनल था, जो कमेंट, जिनके नाम से कमेंट आया उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने जो आंसर दिया था वो सही हो गया आपका। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005। केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति के में शामिल होता है लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य व अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? नहीं। केंद्रीय सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होंगे? निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की योग्यता के संबंध में असत्य कथन का छाटना है, किसी खेल पर में रजत पदक प्राप्त, ये गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हो? 2019 में, जो कि वेतन सेवा शर्ती से संबंधित है। राज्य सूचना आयोग की संरचना के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 से अधिक नहीं हो सकते सूचना आयुक्त, मतलब 10 से ज्यादा उसके सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है TN श्रीवास्तव। राज्य सूचना आयुक्त व सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करेगी केंद्र सरकार, जिसके ऊपर विवाद हो गया था आप सभी को पता होगा। तो NGT का पूरा नाम पूछा जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। NGT की स्थापना भारत में किस अनुच्छेद के तहत की गई? आर्टिकल 21 होगा, जो कि गलत है, 20 दिया है इन्होंने, 21 होगा।
केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत के देश विश्व में कौन सा नंबर का देश बन गया? तीसरा, पर्यावरण के मुद्दों को निपटने के उद्देश्य से एनजीटी अधिनियम के अनुसार कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य? 6 माह। एनजीटी एक संस्था है जो ये सामिति होगी न कि वैज्ञानिक, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? के संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2003। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की पदावधि क्या है? 4 वर्ष 65 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एनएस राव हो जाएंगे, ठीक है, जो ये ऑप्शन में गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष 65 वर्ष। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है, सांविधिक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर सवाई। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि हमने कितना जल्दी ये क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश कर रहती है हमारी कि आपको वीडियो परोस के देते ताकि आपके सामने पूरे क्वेश्चन आ जाए और आप अपने ये देख पाए कि आपके कौन से टॉपिक वीक है, कौन से चीज़ों में दिक्कत आ रही है आपको। सदस्य याद नहीं हो रहा है कि स्थापना दिवस याद नहीं हो रहा कि कौन किसे रिपोर्ट देगा, कौन कौन सी चीज़ आपको दिक्कत आ रही है, किस प्रकार का निकाय है, तो ये सब आपको नोट करने का एक ही तरीका है आपकी वीकनेस पता करने का, वो है टेस्ट सीरीज। इसलिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। तो आपको अगर ये सब अच्छा लग रहा होगा और हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा इसके बाद हम यूनिट 7 को लाने वाले हैं, और अगर किसी भाई बंधु का कमेंट आता है कि किसी यूनिट को लेकर के, तो वैसे तो हमारी कोशिश है कि हर यूनिट के 2-2-3-3 वीडियो डाल दें। देखते हैं हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं आपकी, ठीक है। हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, बस आप थोड़ा सा हमारे लिए भी कर देंगे तो बहुत बहुत आपका आभार होगा। धन्यवाद।